गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखो मैं आज फर्दर टॉपिक पे चलता हूँ। कल एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस कर रहा था, एक्सरसाइज 3.3 में कुछ फर्स्ट क्वेश्चंस का अप टू 6 पार्ट कर दिया था। आज देखो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस क्वेश्चन क्या है, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m for which y is equals to mx plus 3। ये मेरा कोई क्वेश्चन था, ठीक। तब इसको क्वेश्चन को देखो भाई, यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग यूज फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे और क्या लिखेंगे। देखो क्या हो जाएगा, मेरा सॉल्यूशन कैसे लिखूंगा। पहला इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है मेरा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। देखो मैं सेकेंड इक्वेशन का यूज करके यहां से पहले y का वैल्यू निकाल रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, y का मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो देखो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2x माइनस 24 अपॉन 4, ऐसा कुछ वैल्यू आया क्या y इज इक्वल टू। अब ये y का वैल्यू यूज करते हुए हम इसको रिप्लेस करेंगे। सॉरी, यहाँ पे माइनस 24 है, क्या है ये माइनस 24 है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 24, यानी कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 24 अपॉन 4। अब ये y का वैल्यू है मैं इक्वेशन 1 में रखूंगा, क्योंकि मैं किससे सॉल्व करना है ये टॉपिक मैं डिस्कशन कर रहा हूँ अंडर द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसीलिए मैं y का वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करूंगा सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन में। तो जैसे सब्स्टिट्यूट किया तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 सब्स्टिट्यूट करो, 2x प्लस 24 अपॉन 4 इज इक्वल टू 11। ये क्या हो गया, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया y का वैल्यू 11 1 में, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया तो कुछ ऐसा बना। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, 2x प्लस क्या आएगा, देखो सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो गया, 6x 2 से डिवाइड होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 36 अपॉन 2 ऐसा होगा। आप सिंप्लीफाई करो, बिल्कुल और कुछ नहीं कर रहा, 2 इज इक्वल टू 11। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या आएगा, 4x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 22। बच्चों यहां से फिर मैं सॉल्व किया तो ये क्या आया, 7x इज इक्वल टू 22 माइनस 36 दैट इज इक्वल टू माइनस 14। यहां से मैं सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू क्या आने वाला है, माइनस 14 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 7। अब ये जब 7 वैल्यू आया तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी मैं रखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पुटिंग वैल्यू ऑफ y x इज इक्वल टू माइनस 2 आएगा ना, क्योंकि क्या है 7 था ना, तो ये क्या आया x इज इक्वल टू माइनस 2 x इज इक्वल टू माइनस 2 पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 1 या इन इक्वेशन 2। अगर 2 में फॉर एग्जाम्पल रख दिया तो देखो y इज इक्वल टू क्या आने वाला, y इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू क्या यहाँ पे फाइंड आउट किए थे, माइनस 2 प्लस 24 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 24 इज इक्वल टू 20 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 5। तो वैल्यू क्या आ गया, y का 5 आया और x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू आया माइनस 2। जल्दी से नोट डाउन करो, बच्चों क्वेश्चन में क्या मेरे को पूछ रहा है, फाइंड द पहले x एंड y का वैल्यू मैं निकाल लिया। अब मेरे को इतना इन्फॉर्मेशन से मेरे को x और y का वैल्यू निकल गया ना, जब x और y का वैल्यू निकला तो मैं क्या बोल सकता हूँ, x इज इक्वल टू क्या है मेरा, x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 5। तो ये जो दोनों डाटा है, ये दोनों डाटा को यूज करके यहाँ से पूछ रहा है
फाइंड द वैल्यू ऑफ m, क्या किसका वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ये अननोन है। और इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, कौन सा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो ये बच्चों बताओ, अभी x का वैल्यू भी निकाल दिया, y का वैल्यू निकाल दिया, ये x और y का वैल्यूज मैं कहाँ रखूंगा, यहाँ पे रखूंगा, इस डाटा में इन्फॉर्मेशन में रखूंगा। तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू m, x क्या है माइनस 2 प्लस 3, तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू m इंटू माइनस 2। तो ये अगर सॉल्व मैं कर लू, फर्दर सॉल्व करूँ इसको, तो क्या आएगा बच्चों, फर्दर अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये क्या आने वाला है, देखो ये क्या आएगा, 2 इज इक्वल टू एम इंटू माइनस 2, एम इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 2, दैट इज इक्वल टू माइनस 1। तो वैल्यू कितना आया, एम इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। ओके, यानी कि क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच वाई इज इक्वल टू, दिस इक्वेशन इज गोइंग टू बी सेटिस्फाइड। तो एम का वैल्यू कितना है, माइनस 1, यानी कि इक्वेशन कैसा बनेगा, वाई इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस। ओके, जल्दी नोट डाउन करो, नोट डाउन करो बच्चों। क्वेश्चन 3 देखो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, थर्ड के अंदर पहला क्या है बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज ट्वेंटी सिक्स, फिर उसके बाद क्या है एंड 26 एंड वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर, फाइंड देम। देखो बच्चे क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर रियल सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करना है, फाइंड करना है मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो बच्चों क्या है, पहला इन्फॉर्मेशन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, यानी कि लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई हो जाएगा। ओके, और क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज एक्स एंड इज 26, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक नंबर ले लो, दो नंबर से रैंडम लिया मैं एक्स एंड वाई। अब बच्चों एक्स एंड वाई में जब लिया ये दो नंबर, तो अब ये दो नंबर जो एक्स एंड वाई मेरा जो नंबर है, तो एज्यूम कर रहा हूँ कि मानो अगर ये एक्स बड़ा है ग्रेटर देन वाई से, क्यों, क्योंकि डिफरेंस जब करोगे तो ये वैल्यू क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव। तो एज्यूम कर लो, लेट एज्यूम इज दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तब मैं एक कंडीशन लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब कह रहा है एंड द अदर नंबर इज थ्री टाइम्स द वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर नंबर,
अदर, मतलब कि अगर x आपका क्या है बड़ा है ना, तो बड़ा है तो ये छोटे का ना थ्री टाइम्स होगा, y इज इक्वल टू थ्री एक्स नहीं होगा, x इज इक्वल टू थ्री वाई हो सकता है। ओके क्यों? क्योंकि x आप बड़ा लिए हो, x बड़ा लिए हो तो y फॉर एग्जांपल कुछ भी वैल्यूज है, तो बड़ा वैल्यूज कब आएगा? जब अगर छोटे नंबर का मैं मल्टीप्लाई करूंगा थ्री टाइम्स तब मेरे को x मिल रहा है ना, तो यहाँ छोटा कौन है? y है, तो क्या लिखूंगा? x इज इक्वल टू थ्री वाई, एक इन्फॉर्मेशन आ गया। अब यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? पुटिंग, ये क्या हो गया इक्वेशन वन, ये क्या हो गया इक्वेशन टू। अब क्या होगा बच्चों? पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन, जैसे वैल्यू रखूंगा एक्स का किसमें? इक्वेशन वन में, तो ये क्या आएगा बताओ? ये क्या आने वाला है? थ्री वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 26। फ्रॉम हेयर इन्फॉर्मेशन इज टू वाई इज इक्वल टू 26, इट मीन्स दैट y इज इक्वल टू 13। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए भाई बच्चों, y इज इक्वल टू 13 आया। जब y इज इक्वल टू 13 आया तो मैं y का वैल्यू रखूंगा कहाँ? कोई भी एक इक्वेशन से, फॉर एग्जाम्पल मैं y का वैल्यू रख रहा हूँ इक्वेशन टू में, रखा क्या रखा? y का वैल्यू, पुटिंग द y वैल्यू इन द इक्वेशन टू, तो इक्वेशन टू का इन्फॉर्मेशन क्या है? x इज इक्वल टू 3y, तो अभी y कितना लाया था? y इज इक्वल टू 13, तो ये क्या हुआ? 3 × 13 दैट इज इक्वल टू 39, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आया? x इज इक्वल टू 39, तो x इज इक्वल टू क्या है? 39, यानी कि टू नंबर जो एज्यूम किया था x एंड y, उसका वैल्यू क्या आया? x इज इक्वल टू आया मेरा बच्चों 39, एंड y इज इक्वल टू क्या आया? y इज इक्वल टू 13। ओके ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। ओके अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड का मैं सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं, इसको मैं थर्ड का क्वेश्चन सरव कर दिया, इसमें क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड का सेकंड पार्ट क्या है? देखो थर्ड का सेकंड पार्ट क्या है, इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? देखो क्या है क्वेश्चन, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 degrees। ओके अब कह रहा है फाइंड देम, क्वेश्चन क्या है? फाइंड देम, देखो बच्चों यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है? यहाँ इन्फॉर्मेशन क्या है? सप्लीमेंट्री ऑफ टू एंगल्स, यानी कि जब सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि सम ऑफ टू एंगल्स इज क्या है? नोट करके लिखो, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर देन सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एज्यूम कर रहा हूं लेट टू एंगल्स आर एक्स डिग्री एंड वाई डिग्री। ओके अब कह रहा है टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी कि ये जो एक्स और वाई आप एज्यूम किए हो ये क्या आपस में सप्लीमेंट्री है, दैट इज इक्वल टू एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या कह रहा है? एंड फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक है ना एंगल मैं छोटा देता हूं, फॉर एग्जाम्पल वाई इज लेस देन एक्स। ओके और कह रहा है डिफरेंसेस एंड एक्सीड्स, देखो द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री, यानी कि एक्स क्या है एक्सीड कर गया जो स्मॉलर एंगल लिए थे कितने डिग्री से? 18 डिग्री से। तो ये क्या हो गया? एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 180 डिग्री, तो ये इक्वेशन वन हुआ और ये इक्वेशन टू हुआ।
putting the value of x in equation 1 अगर वैल्यू पुट करूंगा तो क्या हो गया y प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री तो y इज इक्वल टू एक और y भी आएगा ना क्या है y प्लस 18 डिग्री प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री देखो ना केवल x का रिप्लेस किया इस इक्वेशन में तो क्या है y प्लस 18 एज इट इज प्लस y प्लस इज इक्वल टू 180 तो क्या आया 2y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री डेट इज इक्वल टू 162 डिग्री कोई दिक्कत नहीं ना द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट एक्सिस द स्मॉलर बाय 18 डिग्री चलो ठीक है बच्चों तो ये क्या आया आपका तो y यहां से क्या आ गया y इज इक्वल टू 162 अपॉन 2 डेट इज इक्वल टू 181 डिग्री ओके अब बच्चों क्या है मेरा y इज इक्वल टू 18 डिग्री अब y का वैल्यू मैं रख रहा हूं इक्वेशन 2 में पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 जब इक्वेशन 2 में मैं y का वैल्यू रख रहा हूं तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 81 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 81 डिग्री और प्लस 18 डिग्री डेट इज इक्वल टू 99 डिग्री यानी कि x इज इक्वल टू हो गया 99 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 81 डिग्री ओके बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं तो अब इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखते हैं बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों पहले खुद से ट्राई करो फिर है ना आप अगर नहीं बने एट लास्ट तब सॉल्यूशन देखा करो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम वाइज by 7 bats and 6 balls for rupees 3800 later C buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750 rupees 5 find the cost of each bat and each ball okay bachcho ye aapka kya hai question hai solve karo isko सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए देखो बच्चों ये क्वेश्चन था मेरा क्या इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है इंफॉर्मेशन क्या है कि बोल रहा है कि मेरे पास एक क्रिकेट टीम है जिसमें 7 बैट्स एंड 6 बॉल कोच खरीदा है 3800 में तो क्या लेट
price of a single bat क्या हो जाएगा, price of single bat is equals to single bat is equals to क्या हो जाएगा rupees x assume कर लो, and price of let फिर similarly let price of a single एक बॉल का क्या आ जाएगा ए वन बॉल इज इक्वल टू रुपीज वाई, इन्फॉर्मेशन क्या दिया सेवन बैट्स, यानी कि बच्चों एक बैट का दाम एक्स रुपीज है तो सेवन बैट का क्या होगा सेवन एक्स प्लस एक बॉल का दाम है वाई रुपीज तो सिक्स बॉल्स का क्या आएगा सिक्स वाई इज इक्वल टू रुपीज 3800। ओके ये इक्वेशन वन हो गया। अब सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या है कि थ्री बैट्स एंड फाइव बॉल्स, यानी कि थ्री एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू रुपीज 715 रुपीज, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब बच्चों क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, तो मैं एक वैल्यूज निकाल के फिर सब्स्टिट्यूट करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं भी लेता हूं वाई निकाल रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन वन, मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ वाई का वैल्यू, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रुपीज 3800 यानी कि माइनस सेवन एक्स अपॉन सिक्स, ये वैल्यू मैं वाई का वैल्यू इक्वेशन टू में रख रहा हूँ, पुटिंग दिस वैल्यू इज इक्वेशन टू, तो क्या हो जाएगा थ्री एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू 3800 माइनस सेवन एक्स अपॉन सिक्स इज इक्वल टू 1750। ओके इसको देखो फर्दर सॉल्व करता हूं तो ये क्या आएगा, इसको एलसीएम लेता हूं तो ये क्या आ जाएगा 18x प्लस 3800 इंटू 00 यानी कि 0004 1900 90000 सही है। अब ओके माइनस 35x इज इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 3 5 4 10000 10500। ओके अब फिर इसको सॉल्व करूंगा तो ये देखो क्या आएगा, हाँ इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूँ बाकी सबको राइट हैंड साइड लेके जाता हूँ। देखो तो अगर मैं देखू तो इसको मैं रब करता हूँ, चलो इसको मैं रब करता हूँ क्वेश्चन को, उसके बाद अगर फिर डील करता हूँ बनाता हूँ। देखो ये अभी क्या है मेरा, मेरे को क्या निकालना है क्वेश्चन में एक्स एंड वाई की सिंगल बैट का प्राइस एंड सिंगल बॉल का प्राइस, तो मेरा एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना, दो इक्वेशन है और दो अननोन है तो हम निकाल देंगे क्या, ट्राई करो खुद से पहले। देखो ये क्या हो जाएगा माइनस 17x, ये क्या हो जाएगा 10000 घर जाएगा, ये क्या होगा 10500 माइनस 900, ये क्या हो गया 0000, ये क्या आया 5, फिर क्या आएगा बच्चों 5, ये 8, ये 0 यानी कुछ ऐसा।